লোকসভা নির্বাচনে যত ধাপ এগোচ্ছে ততই চড়ছে রাজনীতির পারদ। শাসক বিরোধীর মধ্যেও আক্রমণও বাড়ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ করেছে শিবসেনা। এবার তার পাল্টা জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, জীবিত কেন, মৃত্যুর পরেও আমায় মাটিতে পুঁততে পারবে না। মহারাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একযোগে কংগ্রেস ও শিবসেনাকে আক্রমণ করে বলেন, এই নকল শিবসেনা আমায় জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার কথা বলছে। একদিকে কংগ্রেস রয়েছে যারা আমায় বলে মোদি তেরি কবর খুদেগি, আরেকদিকে এই নকল শিবসেনা আমায় জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার কথা বলছে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমায় গালি দেওয়ার সময়ও এরা তুষ্টিকরণের দিকে পুরো খেয়াল রাখে। আমায় বলছে মোদি তেরি কবর খুদেগি, জ্যান্ত পুঁতে দেবে, এটি নিজের ভোট ব্যাংক পছন্দ করবে এমন গালি দেবে নাকি। বাল ঠাকরে প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার ভাবলে দুঃখ হয় যে বালা সাহেব ঠাকরের এই সব দেখে কতটা দুঃখ হয়। এই নকল শিবসেনার লোকেরা বিস্ফোরণ হামলার সঙ্গে যুক্তদেরও নিজেদের সঙ্গে প্রচারে নিয়ে যাচ্ছে। বিহারে জেল খাটা নেতাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরছে, মহারাষ্ট্রে বিস্ফোরণের অভিযুক্তকে কাঁধে নিয়ে ঘুরছে। কিভাবে পাপীদের নিয়ে এদের চলতে হচ্ছে এটা নিয়ে ভাববেন। এই জন্য ওরা আমায় মাটিতে পোঁতার স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু এই মাতৃশক্তি আমায় রক্ষা করবে। মাতৃশক্তির এত আশীর্বাদ রয়েছে যে এরা আমার জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও মাটিতে পুঁততে পারবে না। আজ এই গরিব কা বেটা আপকা সেবক বন করকে প্রধানমন্ত্রী পদ সে ইয়ে জব কাম কর রাহা হ্যায়, एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या। साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे में बिठा के घूम रहे, महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गंवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहने इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहने ये ही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है, मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी
मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरई न्यूज़।